अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर। और मैं आपका मेज़बान अहमद फौज। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो है पाकिस्तान में हुए इस घपले पर। ये घपला ही मैं कहूँगा इसको, कि एक बंदा कसूर में अपने घर में इंजेक्शन बनाता है और वो 1500 रुपये का फ्री इंजेक्शन सेल कर रहा है, और सेल भी उनको कर रहा है प्राइवेट यूनिट्स को। और कई मेरे ख्याल से सरकारी यूनिट्स में भी वो सेल हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में भी वो सेल हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 80 के करीब लोगों की बिनाई मुतासर हुई है। आंखें भी ज़ाया हो सकती हैं। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा और उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये जो इशू हुआ है, हेल्थ के डिपार्टमेंट हमारा काम है। हमें लोगों को कहा जाता है कि आप अदालों पर तनकीद ना करें, अदालों पर तनकीद किस तरह ना करें। यहाँ पे लेस को है, वो बिजली चोरी हो रही होती है, वो जो टैक्स होता है वो हम पे डाला जा रहा होता है। बिजली टैक्स जो चोरी होती है उसका टैक्स वगैरह सारा, क्या हम लोग चोरी कर लेते हैं? हम एक तो बिल पे करते हैं, ऊपर से हमारे बिजली चोरी का टैक्स डाल दिया जाता है। तो उन्होंने बिजली चोरी करने वालों को नहीं पकड़ना, उन्हें अपनी हड्डा हरामी जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने नहीं छोड़नी। इसीलिए हमारे अदारे में काम है। हेल्थ के डिपार्टमेंट ने उसने क्यों नहीं अंदाजा लगाया कि वो जब बीमारी आई है उसी वक्त उस पर काबू पा लेना चाहिए। कोरोना से उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि कोरोना किस तरह आया, वो तो बड़ी वबा थी, वो तो लाइलाज समझ लो बिल्कुल, बस उसके बारे में तो आइडिया नहीं हो रहा था वो क्या है, क्या किस तरह फैल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो क्या किया कि बाहर से ही हमें मंगवानी पड़ी उसकी अद्वियात और दीगर चीज़ें। और इस वक्त भी ऐसे ही है, हमारे ऊपर जो मुश्किल आई हुई है उसको डील करने के लिए हेल्थ के डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा, ना है कि इंतहा यकीन करें। पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं ना, वो पहले जो लोग खिदमत दिया करते थे, अब क्या हो रहा है, डॉक्टर्स ने अक्सर पैसे की राह मांग की हुई है कि जहाँ से पैसा आता है हमने काम वही करना है। इसीलिए ना हमारे अदालों में जहाँ पर जिनको काम आता है ना, वो लोग ना अहल हैं, वो लोग किसी काम पर नहीं। हकीकत बात करूँ कि वो जिनको काम आता है ना, वो ईमानदार नहीं है, सॉरी वो ईमानदार नहीं है। और जिनको काम नहीं आता, ठीक है, वो ईमानदार है। इस वक्त जो कि ना अहल लोग हैं, जिनको काम नहीं आता वो ईमानदार है, और जिनको काम आता है वो बेईमान है। क्या करें, पाकिस्तान में किस तरह लोगों को डील करें, ठीक है। यही बात है कि हम लोग दूसरों की तनकीद करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये मेरे मुल्क है, यार आज ये सीख ना, हमें एज आ खिदमतगार, हम डॉक्टर हैं, हम एज आ टीचर हैं, तो हम अपनी खिदमत अच्छी देंगे तो अगर हमारा मुल्क अच्छा चलेगा ना। अगर टीचर एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा सही तरह, उसको बस वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, बच्चे को जॉब अटैकिंग करो, वो करो वो करो। उस्ताद की खिदमत करना बच्चे का जो है ना, मैं कहता हूँ फ़र्ज है, बच्चे का फ़र्ज है उस्ताद की खिदमत करना। उस्ताद दूसरा बाप होता है हमारा, जो हमें ज़मीन से आसमान तक ले जाता है, उसकी खिदमत मैंने खुद किया, उस्ताद की खिदमत, ये बात नहीं है। लेकिन जब उस्ताद बच्चे को तालीम नहीं देगा ना अच्छी अच्छी, बच्चे को सोच नहीं, बच्चे को सिखाएगा, बच्चे में सोच, अपने बच्चे में मुस्बत तालीम पैदा नहीं करेगा ना, कि बच्चे में मुस्बत जो उसकी सरगर्मियाँ वो पैदा नहीं करेगा बच्चा, तब तक ग्रोथ उसकी नहीं अच्छी होगी। उसके लिए डॉक्टर, मैं उस्ताद को तनकीद नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो हालात हुए हैं हेल्थ के डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल भी नाकाम है इस मामले में, कि 80 लोगों की कैसे वो गिनाई जा सकती है। उस लोगों पर एक्शन लेना चाहिए था, किस पर लाकर सेल किए पाकिस्तान में, वो कसूर में बनाता रहा है, वो 1500 रुपये का इंजेक्शन सेल कर रहे हैं, वो 30-40-35 हज़ार का लाख से अबाउट भी है उसके इंजेक्शन, तो वो बंदे ने कैसे 1500 में सेल कर दिया, कहाँ था। यही बात है हमारे अदारे जो है ना, ना अहल हैं। यहाँ पे हमारी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, तो हमारे वो जो अदारे बैठे होते हैं वो ना अहल लोग बैठे होते हैं, उनको पता ही होता है कि बाद में ये चीज़ शॉर्ट हो सकती है। इससे पहले हमें हमारे लिए रखनी चाहिए, बाद में हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इसीलिए ये पाकिस्तान में यही हो रहा है, तो हमारे अदारों को ये बात देखनी चाहिए कि हमें अपने पाकिस्तान के साथ जो है ना ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। हमें अपने पाकिस्तान की जो तरक्की में अपनी मुस्बत रुझान होना चाहिए, हम अपने मुस्बत तरीके से हम पाकिस्तान के साथ रहें। सो ये हो रहा है हमारे अलावा। सो आज की वीडियो मेरी तो यही थी, और मैं आपका मेज़बान अहमद फौजी। अस्सलाम वालेकुम।